राजस्थान के पूर्व कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन का नाम आज फिर सुर्खियों में है। मेवाराम जैन के कारण बाड़मेर सोशल मीडिया मंच एक्स पर ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर है। वजह है मेवाराम जैन के दो वीडियो जो शुक्रवार को अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही लिख रहे हैं कि आज राजस्थान शर्मशार हो गया। दरअसल मेवाराम जैन पर पहले से एक रेप केस चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी कांड की है। इस वीडियो के कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बाड़मेर के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन का क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप शुभ 24 अवतार मीडिया देख रहे हैं। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन राजस्थान की पिछली सरकार में मंत्री थे। उनकी गिनती बाड़मेर के बड़े कांग्रेसी नेताओं के रूप में होती थी, लेकिन बीते दिनों जोधपुर में एक महिला ने कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित आरपीएससी आनंद सिंह राजपुरोहित समेत 9 लोगों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा था कि मेवाराम जैन ने उन्हें बेटी कहा था, लेकिन बाद में मजबूरी का फायदा उठाते हुए रेप किया। पीड़िता ने यह भी कहा कि उन्होंने मेरी नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की। इस मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। पीड़ित महिला ने FIR में 2 अश्लील वीडियो का जिक्र किया था। अब मेवाराम जैन से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स मेवाराम जैन ही है। इसके साथ ही इससे कुछ फोटो भी शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले की पुष्टि अभी तक शुभ 24 नहीं करता है। इस मामले में कांग्रेस नेता मेवाराम जैन का पक्ष जानने के लिए हमारे रिपोर्टर उन्हें लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन अभी तक बंद आ रहा है। ऐसे में मेवाराम जैन का कोई भी बयान अभी तक इस मामले में नहीं मिल सका है। 6 मिनट के 2 अलग अलग वीडियो हो रहे हैं वायरल। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार दोपहर बाद अचानक शेयर होने लगे। दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रहा शख्स बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन है। एक वीडियो 6 मिनट और 53 सेकंड का है और दूसरा वीडियो 6 मिनट 53 का है। पुलिस रिपोर्ट में पीड़िता ने कहा कि पूर्व विधायक ने मेरे साथ रेप करते हुए वीडियो भी बनाया था। मेरे साथ रेप करते करते मेवाराम जैन और रामस्वरूप का मन भर गया तो मुझसे दूसरी 15-16 साल की लड़की लाने को कहा। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि पूर्व विधायक मेवाराम ने रामस्वरूप आचार्य के जरिए मेरे दयाल और अन्य के खिलाफ अक्टूबर 2023 और इससे एक साल पहले 22 नवंबर 2022 को 29 नवंबर 2022 को मुकदमे दर्ज कराए थे। वो झूठे थे। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिस दिन 29 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ उसी सुबह 7 बजे बाड़मेर कोतवाली थाना अधिकारी गंगाराम खावा और पुलिसकर्मी दाऊद खान दोनों दयाल को लेकर जोधपुर निवास पर आ गए थे और जरूरी का काम कहकर पाली रोड पर सुनसान जगह स्थित फार्म हाउस पर ले गए और गलत कृत्य किया।